नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। दो साल के कोरोना काल के मायूसी के बाद श्री गणेश महोत्सव सेवा समिति की ओर से शुक्रवार को विधि विधान से भगवान गणेश जी की विसर्जन शोभा यात्रा पूरे लव से और धूमधाम से निकाली गई। इस बार विशाल यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भीषण गर्मी के बावजूद गणेश भक्तों की आस्था कम नहीं पड़ी। गणपति दर्शन के लिए छोटे बच्चों और महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। गणेश पूजन के लिए महिलाएं अपने हाथों में प्रसाद, नारियल और दीपक लिए यात्रा के मार्ग में खड़ी दिखाई दी। विधायक रामकेश मीणा के निवास पर भी यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। गणपति रथ के साथ किया विशेष श्रृंगार। इसके पहले विसर्जन शोभा यात्रा की शुरुआत सुबह करीब 10 बजे पुराने अनाज मंडी से होते हुए यहां पहले विधि विधान से रिद्धि सिद्धि के दाता और गणों के नायक गौरी पुत्र भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना कराई गई। इसके बाद गणपति की प्रतिमा को फूलों से सजाकर रथ में विराजमान किया। इसके बाद भव्य लफ्जों के साथ गांव का भ्रमण करवाया गया। शोभा यात्रा पुरानी अनाज मंडी से होकर व्यापार मंडल, देवी स्टोर, चौराहा, खारी बाजार, बालाजी चौक, कैलाश टॉकीज, ट्रक यूनियन, घास मंडी, पटवा बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, बद्रीनाथ मंदिर, पुरानी नगर पालिका, देवी स्टोर, महेश टॉकीज, माल गोदाम रोड, सोनी चौराहा, बजरिया रोड, पवारा चौराहा चौक, उदय मोड़, सालोदा, कैला देवी, काली सिल मंदिर पहुंचे। पुलिस प्रशासन चाक चौबंद। गणेश उत्सर्जन विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरत्न कोहली, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद खींची, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार मीणा, SDM जवाहरलाल जैन सहित दर्जनों पुलिस प्रशासनिक अधिकारी पूरी यात्रा के साथ मौजूद रहे। 8 मजिस्ट्रेट, 10 CI, 7 SI, 150 जवान तैनात किए गए। गंगापुर सिटी से कैमरामैन याद राम वर्मा के साथ अरविंद तिवाड़ी की रिपोर्ट।